दोस्तों ये गाड़ी खड़ाएंगे। आज पल्सर चला ली 200 गाड़ी, ये भी चॉइस पूरी हो गई हमारी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज हम गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, न्यू बाइक। आप ब्लॉग के साथ बने रहिए, आज का ब्लॉग बहुत खास बनने वाला है। तो अभी मामा जी जा रहे हैं आगे बगैर हेलमेट, इसके पास हेलमेट नहीं है, हेलमेट भी दिलाएंगे अभी। और दोस्तों आज हम लेंगे बजाज पल्सर गाड़ी। तो अभी चलते हैं, यहाँ से शोरूम 2-3 किलोमीटर दूर है दोस्तों हमारे घर से। मामा जी के पास ये गाड़ी थी पहले पुरानी वाली, अब नई गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, डिलीवरी लेते हैं आज दोस्तों। एक न्यू बाइक और होने वाली हमारे पास, बजाज पल्सर 125 cc में। तो आज चलते हैं उसको चला के भी देखेंगे कैसी चलती है गाड़ी, कभी चलाई नहीं गाड़ी दोस्तों, आज चला के देख लेंगे वही पल्सर गाड़ी भी। तभी चलते हैं, क्या प्रोसेस है शोरूम वालों की, वो प्रोसेस पूरी करेंगे फिर गाड़ी लेंगे और आपको दिखाते हैं भी गाड़ी कैसी का है। और दोस्तों हम शोरूम पे पहुंच गए, बजाज के शोरूम पे। और दोस्तों ये शोरूम आ गया, यहाँ से लेंगे गाड़ी, ये शोरूम है दोस्तों। और दोस्तों हमारी KTM आके खड़ी है बजाज शोरूम के आगे आज। और दोस्तों पहुंच गए शोरूम पे, अब एंट्री लेते हैं शोरूम में। कलर चॉइस करोगे अभी दोस्तों? एक पल्सर है, एक NS है। अब शोरूम पे मामा देख ले, दोस्तों ये गाड़ी खड़ाएंगे, दोस्तों को बाहर खड़ाते हैं, इसके वैसे सीरीज लगवाते हैं। दोस्तों ऐसे सीरीज लगवा ली गाड़ी की और अब कंप्लीट हो गई हमारी। और अब चलो दोस्तों अब गाड़ी ले लेते हैं। दोस्तों ले लिया हमारी गाड़ी, अब चलते हैं यहाँ से और मैं चलाता हूँ पहले इसको। चलो दोस्तों गाड़ी स्टार्ट हो गई। और ये गाड़ी और मैं चला रहा हूँ, देखता हूँ कैसी चलती है दोस्तों। उसकी एडम जैसे तो नहीं चलेगी लेकिन फिर भी अच्छी चल रही है। और आज पल्सर चला ली 200 गाड़ी, ये भी चॉइस पूरी हो गई हमारी 125 cc की। दोस्तों बहुत हल्की गाड़ी लग रही है मेरे को, दे मेरे क्या ऊंची भी है कुछ KTM तो, और ये थोड़ी नीचे एकदम से ऐसे लग रहा है थोड़ा नीचे हो गया हूँ मैं। अगर हम मार्केट में आ गए अब यहाँ से थोड़ी क्या मिठाई लेंगे दोस्तों, गाड़ी के लिए सभी के लिए मिठाई घर के लिए। दोस्तों हम पहुंच गए जोधपुरी में, यहाँ पे कुछ खाएंगे हम पहले। और दोस्तों अभी आ गए हम नाश्ता करने के लिए, और भूख भी लग रही थी, हम नाश्ता करेंगे, पैसे गिन रहे हैं मामा जी भी। और दोस्तों मीठे से शुरुआत कर रहे हैं खाने के लिए, गाड़ी का स्टार्ट मीठे से कर रहे हैं। दोस्तों कचौरी आ गई हमारी और अभी कचौरी खाते हैं सभी हम। और नाश्ता भी कर लिया हमने और मिठाई भी ले ली, और अब चलते हैं। अब इसका मुहूर्त है दोस्तों 12:15 बजे, लेकिन 12:30 बजे तक ही होगा मुहूर्त, क्योंकि लेट पहुँचेंगे हम घर। दोस्तों मामा जी और का घर यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर है। तो एक बार शोरूम पे आ गए, हमारी KTM खड़ी है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों गाड़ी ये लुक है, देखो चारों मिनट से घुमा के दिखाता हूँ आपको। अभी शोरूम के आगे खड़ी है दोस्तों। दोस्तों मामा जी चला रहे हैं मेरी गाड़ी को, KTM को, इसको देख टेस्ट ड्राइव ले रहा है कैसी चलती है। अरे ये ले जा रहा पुरानी गाड़ी को हमारी को प्रदीप। दोस्तों इसमें 5 गियर हैं दोस्तों, पेट्रोल पंप आ गया और यहाँ पे पेट्रोल डलाएंगे अब। खाली कुड़ी है तो बिल्कुल दोस्तों, 500 ग्राम डाल दे भाई। दोस्तों पेट्रोल डला लिया और अब यहाँ से ले जा रहे हैं इस गाड़ी को, मैं भगा के देखता हूँ कितनी भगती है। हमने इसे 500 का पेट्रोल डलाया दोस्तों, अभी 3 खूटे हैं इसमें, मैं इसको भगा के देखता हूँ दोस्तों, पर आवाज़ कम आएगी भगाने के बाद में, क्यों मेरे इसमें थोड़ा माइक ख़राब हो रहा है इसका GoPro का।
दोस्तों ताकत नहीं कर रही बिल्कुल, ये तो 85 की स्पीड पकड़ ली दोस्तों। दोस्तों मैंने इसकी 90 तक स्पीड भागी है, मेरे से ज़्यादा नहीं भागी। नई गाड़ी है दोस्तों, अभी खुलेगी, और अभी तो क्या है इसके नए नए पुर्जे हैं, खुलेगी तभी और भी भागेगी गाड़ी। हल्की गाड़ी है एकदम से, और मस्त गाड़ी है पल्सर। नई नई गाड़ी तो ऐसी लग रही है फर्राटा के साथ भाग रही है दोस्तों। इसमें आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक है दोस्तों। बता सही चल रही है, कौन चल रही गाड़ी? दोस्तों वो तो छपा कवर कवर किया था, इसका गियर ही निकला मेरे से। अभी 80 की स्पीड चल रही है, फिर भी नहीं पकड़ रही गाड़ी। एकदम से दब रही है गाड़ी, एकदम से खुल के नहीं पक रही। दोस्तों ब्रेक तो एकदम से अच्छे ब्रेक हैं गाड़ी के, इसके भी मामा जी ताकत कौन कर रही गाड़िया। दोस्तों बहुत अच्छी गाड़ी है, थोड़ा सा एक इंजन कम है, सीसी कम है इसकी, थोड़ी सी वो ताकत कम है, नहीं तो खूब भग रही है दोस्तों। 90 की स्पीड पकड़ जाती है मिनटों में, एक मिनट में 90 की स्पीड पकड़ जाती है दोस्तों ये गाड़ी। मैं भी भगा के देखाऊँ, एक मिनट में 90 की स्पीड पकड़ लेती है दोस्तों गाड़ी। और वो तो KTM तो दोस्तों उसका ड्राइव सीसी इंजन है, वो तो थोड़ा सा जल्दी पकड़ती है स्पीड। दोस्तों साइलेंसर की आवाज़ मस्त आ रही है एकदम से, बुडर बुडर की आवाज़ आ रही है दोस्तों पीछे जैसे भगाते हैं ना गाड़ी को। तो एक अभी बंदा गया था वो कीचड़ में भगा के ले गया गाड़ी को। और दोस्तों हम आ गए रेत के टीलों के ऊपर, और यहाँ का व्यू देखो कितना मस्त व्यू है दोस्तों यहाँ का। दोस्तों साइलेंसर की बहुत मस्त आवाज़ आ रही है। दोस्तों ये आपको पहाड़ दिख रहा होगा सामने, तो इस पहाड़ के दोस्तों में टुलाड़ी रहते हैं मामा जी, और नीचे तो चलते हैं आपको वहाँ का व्यू दिखा देंगे। अब चलता हूँ आगे मामा जी से, ये गांव है दोस्तों मानस, ये मेरे मामा जी और का गांव है दोस्तों, पर मामा जी यहाँ रहते नहीं है मानास में, आगे रहते हैं पहाड़ के पास में। यहाँ का रास्ता देखो दोस्तों, अब तो क्या बारिश नहीं बरसी तो थोड़ा अच्छा हो रहा है यहाँ पे, जैसे बारिश बरस जाएगी तो बिल्कुल कीचड़ हो जाता है दोस्तों। अभी ये नदी है दोस्तों यहाँ की, पुल बन रहा है, अब तो पहले पुल नहीं था, अब पुल बन गया दोस्तों यहाँ पे। काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूँ इधर में, और दोस्तों रास्ता चौड़ा हो गया, पहले बहुत सकड़ा था यहाँ, डर लगता था। ओहो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो गया ये तो। ये रास्ता है दोस्तों इधर का, जब बारिश बरसे तो कीचड़ दुनिया भर का कीचड़ रहेगा इधर। और आ गए घर मामा जी और गए, और ये पहाड़ भी पास में है दोस्तों। दोस्तों वार्ता कर रहे गाड़ी का, और मां हमारी मम्मी कर रही है वार्ता। मामा जी और के घर से चल दिया हमें, और सभी जा रहे हैं। दोस्तों अब हमारे घर पहुंच चुके हैं, और आज मामा जी को नई गाड़ी दिला दी, और आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। काफ़ी बड़ा हो चुका है दोस्त ब्लॉग आज का। टाटा बाय।